हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज हम दलिया का पोहा बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी दलिया लेंगे और इसे 2 घंटे के लिए हम पानी में भिगोकर रख देंगे। दो घंटे तक जब दलिया अच्छे से भीग जाएगी उसके बाद हम दलिया का पोहा बनाएंगे। तब तक 2 घंटे के लिए इसे हम भिगोकर रख दे रहे हैं। एक कटोरी बारीक कटा हुआ टमाटर लेंगे, एक कटोरी बारीक कटी हुई प्याज लेंगे, ग्रेट की हुई अदरक लेंगे, थोड़े से करी पत्ता लेंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। और एक कटोरी फ्रोजन मटर लेंगे, 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 चम्मच हम राई डालेंगे, थोड़ा सा राई और डालेंगे यानी 2 चम्मच। अब हम हरी मिर्च डालेंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे, सबको अच्छे से मिला देंगे। अब हम चॉप्ड प्याज डालेंगे, प्याज को मुलायम होने तक भूनेंगे। प्याज मुलायम हो चुकी है और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, अब हम इसमें मटर डालेंगे, मटर हमारी फ्रोजन वाली है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 2 घंटे के बाद मैंने दलिया को अच्छे से छान कर छन्नी में ही रख दिया था और इसका पूरा पानी निकल गया है। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें दलिया डालेंगे। ये देखिए सब कुछ अच्छे से पक गया है। अब इसमें दलिया डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं पूरी दलिया हमारी खिली खिली बन रही है। एक चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। नमक को दलिया में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब दलिया को भी थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। गैस की फ्लेम को स्लो पर ही रखिएगा।
थोड़ी देर बाद चेक करेंगे कि दलिया हमारी पक गई कि नहीं। ये देखिए 10 मिनट के अंदर दलिया हमारी पक गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दलिया कितनी खिली खिली बनी है। सिर्फ मैंने 10 मिनट पकाया है क्योंकि दलिया भीगी हुई थी। जब हम दलिया सर्व करने लगेंगे तब हम उसमें रोस्टेड मूंगफली डालेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। दोस्तों, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने घरों में एक बार ये दलिया का पोहा जरूर बनाएं। थैंक यू।